हेलो एवरीवन, स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल द म्यूजिकल हाउस पे। दोस्तों आज हम लोग बात करने वाले हैं कि एक गाने का ट्रैक बनाने में, म्यूजिक ट्रैक, अच्छा ट्रैक बनाने में कितना पैसा खर्च आता है। तो दोस्तों बहुत से लोग जानना चाहते हैं कि एक भोजपुरी या हिंदी कोई भी गाने का एक म्यूजिक ट्रैक मैं बनाऊँ तो कितना पैसा खर्च आएगा। तो दोस्तों आज हम लोग टोटल इसी टॉपिक पर बात करने वाले हैं। अगर आप भी एक सिंगर हैं या एक अच्छे स्टूडियो से म्यूजिक बनवाना चाहते हैं तो बने रहिए वीडियो के अंत तक, मैं आपको बताऊंगा कितना पैसा खर्च आएगा और कहाँ कितना खर्च करना और कैसे आप अच्छी क्वालिटी का ट्रैक बनवा सकते हैं। तो दोस्तों मेरा नाम है मोनू, मैं ऐसे म्यूजिक से रिलेटेड बहुत सारी जानकारियां लेके आता रहता हूँ। तो सब्सक्राइब करना ना भूलेगा और लाइक कर दीजिएगा वीडियो। आइए स्टार्ट करते हैं। जो गाने आप बार बार सुनते हैं उसमें कुछ वेरिएशन होते हैं जो आपको अलग अलग यूनिक चीजें देती हैं, अलग अलग वेरिएशन सुनाई देती हैं, इसलिए गाने अच्छे लगते हैं। तो दोस्तों सबसे पहले जान लेते हैं कि अच्छा ट्रैक और बुरा ट्रैक। दोस्तों अच्छा ट्रैक और बुरा ट्रैक में जिसके कान बहुत तेज है, जो म्यूजिक को अच्छे से जानता पहचानता है, वही बता सकता है ये अच्छा बना है या बुरा बना है। अगर दोस्तों आपको म्यूजिक का सेंस है, आप गाने सुने, अच्छे गाने सुने, तो आप बता सकते हैं। तो दोस्तों बुरे ट्रैक में क्या अंतर है कि बुरा ट्रैक एक कोई आर्टिफिशियल लूप है, वो लगा दिया गया, एक लूप बज रहा है और उसी पे सिंगर से गाना गवा दिया जा रहा है और सुनने में अच्छा लगता है, ऐसा नहीं लूप खराब होता नहीं, लेकिन वो बना बनाया है, उसमें ज़्यादा बहुत मेहनत नहीं रहती है। बट उसको थोड़ा सा आगे आप सुनते रहेंगे तो आपको गाने बोरिंग लगेंगे और वो गाना ज़्यादा अच्छा होगा नहीं, कि उसमें वेरिएशन नहीं आ पाते उस गाने में। तो दोस्तों इसलिए अच्छे ट्रैक में और बुरे ट्रैक में आपको मतलब समझना है। जो लूप वाले सॉन्ग हैं, जैसे कोई भोजपुरी के ज़्यादातर गाने में एक बीट बजा दिया जाता है लगातार, शुरू से लेकर अंतिम तक एक ही बीट बजती है और उसी पर सिंगर को गाना गवा के हटा दिया जाता है, ऐसे गाने में कोई वेरिएशन नहीं रहता, कोई अलग, कोई यूनिक चीज़ें नहीं रहती, इसलिए वो पहचान में ज़्यादा नहीं आती और वो चल भी नहीं पाती हैं। जो भी स्टूडियो वाला आपका ट्रैक बना रहा है, आपको ध्यान रखना कि कौन कौन से इंस्ट्रूमेंट यूज कर रहा है, वो ध्यान रखना कि उस गाने में वेरिएशन दे रहा है कि नहीं दे रहा, कि हर जगह एक ही चीज़ तो नहीं बज रही है। अगर आपको हर जगह एक ही चीज़ बज रही है और ज़्यादा पैसे की डिमांड हो रही है तो दोस्तों आपको थोड़ी सोचनी चाहिए। तो इसलिए आपको ध्यान रखना कि वेरिएशन गाने में होना चाहिए, ट्रैक में कहीं कहीं अलग अलग इंस्ट्रूमेंट भी बजने चाहिए। तो दोस्तों अगर ऐसे आपका ट्रैक बन रहा है तो ट्रैक आपका डेफिनेटली अच्छा होगा और बढ़िया होगा। और बात करते हैं पैसे की। दोस्तों पैसे की बात करते हैं, जो लूप वाले सॉन्ग होते हैं, लूप वाला आपको 1,000, 2,000, 3,000 में भी बना के लोग दे देंगे, 2,000 में, 1,500 में, 2,500 में, 3,000 में, बहुत से स्टूडियो वाले ऐसे होते हैं जो इस रेट में आपको बना के दे देंगे, वो भी अच्छे हैं, माने जो अफोर्ड नहीं कर सकता उस पर गाएं, कोई दिक्कत नहीं है। अगर आपके पास बजट है और आप वाकई में अच्छा गाना बनवाना चाहते हैं तो आपको कम से कम 5,000 या 7,000 या 10,000 आसपास लगाइए, कम से कम, ज़्यादा से ज़्यादा आप जहाँ तक वहाँ लगवा सकते हैं, लाइव म्यूजिक बजवाइए, सब अच्छा होगा। अगर 5-10 हज़ार के बीच में आप लगवा रहे हैं ऑडियो के लिए, ट्रैक के लिए, तो आपका गाना अच्छा होगा। और आपको पहले से ध्यान रखना कि जहाँ आप पैसा लगा रहे हैं, जिस स्टूडियो को पैसा दे रहे हैं, उसका पहले का काम कैसा है और काम वो कैसा करता है, और उसका पुराने काम कुछ देख लीजिए। अगर उस स्टूडियो का गाना आपको पसंद आ रहा है, अगर वो आपसे डिमांड कर रहा है 5 या 10 हज़ार के आसपास, अगर आपके बजट में है, अगर उसके गाने आपको पसंद है, तो दोस्तों वहाँ पर पैसा लगा सकते हैं। और आप ध्यान रखिएगा कि हर जगह एक ही लूप, एक ही बीट या एक ही इंस्ट्रूमेंट या एक ही चीज़ ना बजे, रिपीट ना करे, उससे बोलिएगा थोड़ी सी वेरिएशन डाले, कुछ और इंस्ट्रूमेंट डाले, कुछ और रिदम चलाए, कुछ यूनिक बनाए, ताकि अच्छा लगे सुनने में। तो दोस्तों अगर ऐसे आपका कोई काम कर रहा है तो उससे कराइए, डेफिनेटली आपका 5-10 हज़ार में। अगर आप और पैसा लगाना चाहते हैं, 20-50 हज़ार, 1,00,000, 2,00,000 लगाना चाहते हैं, तो आप अच्छे स्टूडियो बाहर जा सकते हैं, वहाँ लाइव म्यूजिक बजवा सकते हैं, लाइव म्यूजिक का अलग अलग चार्ज होता है, तो आप अपने बजट अनुसार देख लीजिएगा। अगर आपका बजट 5 से 10 हज़ार, 15 हज़ार है, तो उस रेट में भी आप अच्छा म्यूजिक बनवा सकते हैं। अच्छा म्यूजिक बनवाने के लिए आप हमसे भी कॉन्टेक्ट कर सकते हैं, मेरे वहाँ भी अच्छी म्यूजिक बनती है। तो दोस्तों इस वीडियो में इतना ही, उम्मीद है कि वीडियो के माध्यम से आपको पसंद आया होगा। अगर आप हमारे वहाँ के गाने सुनना चाहते हैं तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक डाल दूंगा, सुन लीजिएगा गाना कैसा है कैसा नहीं है, उसके बाद आप चाहे तो आप हमसे काम करा सकते हैं। तो दोस्तों इस वीडियो में इतना है, तब तक के लिए थैंक यू सो मच। अगर आपके मन में और कोई बात हो तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स के जरिए पूछना ना भूलिएगा, मैं कोशिश करूँगा उसका एक प्रॉपर वीडियो बनाने के लिए। तब तक के लिए थैंक यू सो मच, मिलते हैं अगले वीडियो में।